dear students in this module we are going to discuss types of authority and there are three important types of authority given by the german sociologist max weber traditional rational legal and charismatic authority authority refers to the legitimate exercise of power and control over others often based on norms and belief system जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो ये पावर से मुख्तफ होती है पावर के अंदर तो ये होता है कि यूज़ ऑफ़ फोर्स या कोर्शन भी हो सकती है लेकिन अथॉरिटी जो होती है वो हमेशा लीगल या लेजिटमाइज होती है दूसरे लफ्ज़ों में जिसके ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज की जा रही होती है उसकी कंसेंट उसके अंदर शामिल होती है सो ट्रडिशनल अथॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स एंड ट्रडिशन एंड इज़ आफ्टर एसोसिएटेड विद द हेरिडिटी और रिलीजस फिगर्स इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है जिसको कि हम ट्रडिशनल अथॉरटी कहते हैं ट्रडिशनल अथॉरटी आपके जो रिलीजस फिगर्स हो सकते हैं जो आपके ख़ास तौर पर वो पावर या वो अथॉरटी जो कि आपको ट्रडिशन से मिल रही होती है जो आपको रवाज रस्म रस्म व रवाज के ज़रिए जो अथॉरटी मिल रही होती है उसको हम ट्रडिशनल अथॉरटी कहते हैं मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि पेरेंट्स कैन एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी ओवर देयर चिल्ड्रन तो इस फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इसी तरह से जब हम गांव देहात के अंदर देखते हैं कि जो जिरगा सिस्टम होता है उसके अंदर जो जिरगा का हेड होता है वो भी अपनी उस ट्रेडिशनल अथॉरिटी को लोगों के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा होता है इन पाकिस्तान ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज़ एक्सम्पलीफाइड बाय द रोल ऑफ ट्राइबल लीडर्स एंड रिलीजियस फ़िगर्स फ़ॉर एग्ज़ाम्पल similarly when we see that the rational legal authority so it is based on formal rules and procedures often codified in law and enforced by the government institutions rational legal authority की बात करें तो इस modern form of authority जिसके अंदर जो आपकी authority होती या आपकी जो power है वो आपकी आ, आप आपकी characteristics की बुनियाद के ऊपर नहीं determine होती बल्कि आपको लीगल सिस्टम के ज़रिए वो पावर मिली होती है दूसरे लफ्ज़ों में जो कानून होता है वो उसका डेरिवेटिव सोर्स होता है जिसके थ्रू आप वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर पा रहे होते हैं और ये अथॉरिटी जो है ये रैशनल बेसिस के ऊपर होती है इसमें स्पेसिफाइड नहीं होता कि कौन सा इंडिविजुअल पर्टिकुलरली जो है वो इस अथॉरिटी का हकदार होगा बल्कि वो डिफरेंट सोशल पोजिशन होती हैं पावर पोजिशन होती हैं जिनके ऊपर बैठने वाला कोई भी फ़र्द जो है वो उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल रैशनल लीगल अथॉरिटी इज़ एम्बॉडिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी सिस्टम सो जुडिशल सिस्टम और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिटरमिन करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लीगल रैशनल अथॉरिटी किसके पास होगी मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर की क्या अथॉरिटी होगी प्रेसिडेंट की क्या अथॉरिटी होगी इसी तरह से जो प्रोविंशियल uh, गवर्नमेंट्स के अंदर बाकी जो पोजीशंस हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर है तो सबकी अथॉरिटी और जोरिस्डिक्शन जो है वो उस लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए डिटरमिन होती है उसको रैशनलाइज किया जाता है कि ये अथॉरिटी कहाँ पे एक्सरसाइज हो सकती है और कहाँ पे एक्सरसाइज नहीं हो सकती देन वी हैव द क्रिज्मेटिक अथॉरिटी इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिटीज़ एंड क्रिज्मा ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट्स एंड सोशल चेंज तो क्रिजमेटिक अथॉरिटी को अगर हम देखें तो ये किसी इंडिविजुल की अपनी करेक्टरस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर होती है जिसको हम क्रिज्मा भी कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी का चाम भी कहते हैं उसके अंदर मौजूद वो खसूस खुदादा साहितें होती हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को या दूसरों को मुतासर कर सकता होता है इन पाकिस्तान क्रिजमेटिक अथॉरटी इज़ एग्जाम्पलीफाइड बाई द फिगर सच एज़ मोहम्मद अली जना एंड जोल्फ़िकार अली भुट्टो अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ अथॉरिटी इज़ असेंशल फॉर एनालाइजिंग द वेज इन विच पावर एंड कंट्रोल आर एक्सरसाइज इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल फॉर सोशल एंड पोलिटिकल चेंज अब ये जो तीनों थ्री फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी हैं इनको इनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज़ अ सोशॉलोजिस्ट एज अ सोशल साइंटिस्ट हम ये देखते हैं कि हर अथॉरिटी की एक्सरसाइज की अपनी एक जोरिस्ट्रिक्शन है अपना एक दायरा इख्तियार है उसी दायरा कार या उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए ही वो अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज हो सकती होती है तो इंटरेस्टिंगली जब कोई भी अथॉरिटी एक्सरसाइज़ होती है किसी कॉन्टेक्स के अंदर तो उसके बहुत से रिप्रिकाशनस या कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं तो सोशल साइंटिस्ट या सोशॉलोजिस्ट के लिए ये देखना ज़रूरी होता है कि वो कौन से पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं सो इट्स अ फूड फॉर फॉर यू कि आप देखें कि ये जो तीनों फॉर्म ऑफ अथॉरिटी हैं जैसे कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी है रैशनल लीगल अथॉरिटी है या क्रिसमेटिक अथॉरिटी है ये जो तीनों फॉर्म ऑफ अथॉरिटी हैं ये किन किन डोमेन्स के अंदर या कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही हैं